चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे व्यापार के माध्यम से दक्षिण एशिया का एकीकरण देखेंगे। आज के इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि दक्षिण एशिया होता क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके दक्षिण एशिया में व्यापार की संभावना क्या है और भारत का दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार किस तरह से है। दक्षिण एशियाई अंतर क्षेत्रीय व्यापार में चुनौतियां क्या क्या है आखिर, इसके सामने समस्याएं क्या क्या है। दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपाय क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आपके मन में भी अगर कोई उपाय है तो समाधान है तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैप्स पर चलते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, देखिए देख रहा है। इसमें अगर हम लोग जो दक्षिण की तरफ आपका एशिया है, एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप यहां तक है, देखिए पूरा एशिया में आपका महाद्वीप में रूस भी आता है और यहाँ कजाकिस्तान, पूर्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सभी आपके एशिया महाद्वीप में है। लेकिन इसके दक्षिणी हिस्से को हम लोग दक्षिण एशिया कहते हैं, इसे समझ रहे। इसमें आपका भारत देखने को मिलेगा, श्रीलंका, और इसमें मालदीव देखने को मिलेगा, यहाँ है आपका मालदीव, ये मालदीव, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें आपका नेपाल भी देखने को मिलेगा, पड़ोसी देश है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें देखने को मिलेगा। ये सभी देश आपके दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं, ठीक है। और ये है आपका चाइना, देखिए ऊपर, इसी के संदर्भ में ये सभी को बताया जा रहा है। चीन अपनी आर्थिक ताकत का उपयोग करके दक्षिण एशिया में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सक्रिय रूप से निवेश किया जा रहा है। चीन के निवेश इन देशों को ऋण जाल में उलझा रहा है, जैसा कि श्रीलंका, मालदीव के मामले में हुआ है। ऐसे में दक्षिण एशिया में चीन के विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी पड़ोसी विषम नीति को फिर से जीवित करना होगा। व्यापारिक संबंधों का बेहतर किया जाना है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है और नेपाल पर आपने देखा है कि नेपाल किस तरह से अपने पैर पसारने लगा है। अब नेपाल पर को सहायता पूरी तरह से चीन से मिल रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि नेपाल भी एक पर एक बार किया जा रहा है इंडिया के ऊपर। पीएम वहां के बहुत भाषण दे रहे हैं इस समय, फिर चाहे राम मंदिर के, राम के जन्म स्थान के बारे में हुए, अयोध्या के बारे में, या फिर कोरोना वायरस के बारे में हुई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोरोना वायरस, जो भारतीय कोरोना वायरस है, ये खतरनाक है चीन में जो वायरस है कोरोना वायरस, उससे। तो इस तरह के कई कमेंट दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। बांग्लादेश पर आप देखते हैं कि बांग्लादेश पर चीन अपना ठीक ठाक कब्जा किए हुए। श्रीलंका पर आपने देखा हुआ, मालदीव पर आपने देखा है पूरी तरह से यहाँ किस तरह से उसने जाल में फंसाया हुआ है। इसका काम उसी तरह से आपने पुराने जमाने में देखा होगा, कुछ सालों पहले एक बिचौल सेठ जी हुआ करते थे जो ऋण दिया करते थे किसानों को, और इतना ऋण देते थे, इतना महंगा उस पर ब्याज रहता था कि किसान को ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता था सेठ से, और इस तरह से उसकी जमीन हड़प लेते थे और किसान बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता था। तो यही प्रक्रिया चाइना भी अपना रहा है बाकी देशों, ईरान में भी अब आपने देखा है कि वो पहुंचने लगा है वहां। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज ही कल में कि ईरान में क्या मामला चल रहा है। दक्षिण एशिया में व्यापार की संभावना की बात करें तो दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है जिसका प्रयोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में मूलतः आप देखेंगे कि भारत, उसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। अफगानिस्तान ये है, आप याद रखें, पीओके वाला हिस्सा आपका लगता है यहाँ, ठीक है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार दुनिया के सबसे क्षेत्र में न्यूनतम है। इसमें मौजूदा स्तर से 3 गुना तक के इजाफे की संभावना भी मौजूद है, क्योंकि आप देखते हैं कि जनसंख्या भी खासा यहाँ है, एक बड़ी आबादी रहती है। दक्षिण एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया की सबसे जीवंत अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिर भी दक्षिण एशिया के देशों में वास्तविक व्यापार और संभावित व्यापार का अंतर 2001 से ही लगातार बढ़ रहा है। संरक्षणवादी नीतियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यापक विश्वास की कमी के कारण
दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार निम्न स्तर पे, यह अपनी क्षमता से काफी नीचे, वैश्विक व्यापार की का सिर्फ 5% है। कितना? 5%। यह दक्षिण एशिया को दुनिया के व्यापारिक रूप से सबसे अधिक कटे हुए क्षेत्र में से एक है, खासकर जब पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना की जाए, तो जहां कुल व्यापार का लगभग आपका 5%, सॉरी 50% अंतर क्षेत्रीय व्यापार है। कितना? 5, वहां 5 है तो यहाँ 50%। विश्व बैंक की एक ग्लास हाफ फुल द प्रोमिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ कोरिया नामक एक रिपोर्ट का यह अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशिया के साथ 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित व्यापार के मुकाबले भारत का वास्तविक व्यापार 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह वैश्विक व्यापार मात्र 3%, और अपनी क्षमता से लगभग 43 बिलियन डॉलर कम है। कितना? 43 बिलियन डॉलर कम है। भारत का दक्षिण एशियाई देशों के साथ अगर व्यापार की बात करें तो 2018 में भारत अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बांग्लादेश है। इसके बाद आपका श्रीलंका और नेपाल आते हैं, जबकि सबसे अधिक मूल्य का आयात म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से आ जाता है। यानी कि आयात का मतलब है कि हम लोग उनसे खरीदते हैं, निर्यात का मतलब हम लोग उन्हें बेचते हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार सभी पड़ोसी देश के साथ भारत व्यापार लाभ की स्थिति में, सबसे अधिक बांग्लादेश 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसके बाद नेपाल में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2017-18 में महज 2.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जबकि दोनों के बीच लगभग 38 अरब डॉलर के व्यापार की क्षमता मौजूद है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों में खटास बना हुआ है, लड़ाई चलती रहती है, एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, जब देखते हैं आप लोग विरोध ही चलता रहता है। तो 38 अरब डॉलर का व्यापार की क्षमता है, वहां महज आपका 2.4 अरब डॉलर का व्यापार किया जा रहा है, यानी कि बहुत छोटे स्तर पर। पाकिस्तान को छोड़कर देखें तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है, और फिर भी यह भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 1.7% से 3.8% के बीच है, यानी कि बहुत कम है। क्षेत्र में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई समझौते हुए, सार्स अधिमान व्यापार व्यवस्था पर उन साप्ता पर 1994 में हस्ताक्षर किए। इसके एक दशक बाद 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्ता समझौता किया गया, जो 2006 में लागू हुआ। इसके अतिरिक्त भारत और श्रीलंका ने 1998 में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता इस्फटा पर हस्ताक्षर किए थे, और यह समझौता 2000 में लागू हुआ। दक्षिण एशियाई अंतर क्षेत्रीय व्यापार में चुनौतियों की बात करें, अगर समस्याएं आखिर क्या क्या हैं इनकी, तो अनेक व्यापार समझौतों के बावजूद भारत अपने पड़ोस में व्यापार क्षमता से बहुत कम है अपने पड़ोसी देशों के साथ। व्यापारी की सुविधा के लिए मौजूदा समझौते स्वयं में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये समझौते व्यापार में आने वाली बाधाओं का समग्र रूप से निराकरण करने में सक्षम नहीं है। इस क्षेत्र के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में आने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर विवाद की स्थिति। भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण दक्षिण एशिया अपने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई एकजुटता का लाभ आर्थिक एकीकरण के रूप में नहीं ले पा रहा है। क्षेत्र के दो सबसे बड़े देशों के बीच कमजोर गतिशीलता किसी भी बड़ी सफलता को काफी मुश्किल बना देता है। साप्टा की असफलता, दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा आपसी व्यापार में पड़ोसियों के साथ व्यापार टैरिफ के मामले में भेदभाव होता है। दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय आयात में शेष विश्व की तुलना में अधिक संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाती हैं। नतीजतन दक्षिण एशिया में व्यापार की लागत असमान रूप से अधिक है। 2016 में दक्षिण एशिया में औसत टैरिफ 13.6% था, जो शेष विश्व की औसत टैरिफ 6.3 से दुगना था, यानी कि यहाँ टैरिफ भी कुछ ज्यादा ही है। तुलनात्मक लाभ की कमी, इस क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ की कमी भी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की संभावना को बाधित करती है। साप्टा के तहत इस पर ध्यान देने की बात की गई है। विशेषज्ञता और मूल्य श्रृंखलाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख कारक है। यदि देशों के बीच अलग अलग उत्पादों में विशेषज्ञता और तुलनात्मक लाभ की स्थिति होती है,
तो उनके बीच परस्पर व्यापार भी लाभकारी होता है। दक्षिण एशिया के अधिकांश देश अपने निर्यात बाजार में उत्पादों की एक सीमित श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी हैं, विशेषकर कपड़ा और परिधान निर्यात में। चीनी प्रतिस्पर्धा की बात करें तो इस क्षेत्र में चीन का व्यापार मुख्य रूप से निर्यात संचालित है, जो इस क्षेत्र इसे दक्षिण एशिया के लिए माल का एक शीर्ष स्रोत बनाए हुए है। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के बावजूद भारत अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार की मात्रा चीन के मूल्य से बहुत कम है, जबकि चीन का इस क्षेत्र में केवल एक मुक्त व्यापार समझौता है। और आप सभी जानते हैं कि हर तरह से देखिए आपके व्यवहार बिगड़ते जा रहे हैं पड़ोसियों के साथ। नेपाल से काफी हद तक हमारे ऊपर निर्भर रहता था नेपाल, लेकिन आपने देखा है अब नेपाल भी अलग भगने लगा है हमसे। चाइना का आपने पहले ही देख लिया कि श्रीलंका को भी हम लोगों से काफी हद तक दूर कर दिया, और पाकिस्तान पर तो पूरी तरह से आप देखते हैं कि कभी हमारी उसकी बनी ही नहीं है। सीमा पार कनेक्टिविटी की बात करें तो सीमा पार कनेक्टिविटी भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के लिए बाधा के रूप में कार्य करती है। दक्षिण एशिया में परिवहन और रसद बुनियादी ढांचा जैसे देशों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें, बंदरगाहों, सीमा चौकियों की स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया या फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में काफी कमजोर है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच पर्याप्त परिवहन की कमी से सीमाओं के पार सामान और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए उच्च मूल्य का व्यापार अक्सर हवाई यात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय हवाई संपर्क अत्यधिक खराब स्थिति है। इसकी आपसी विश्वास की भी कमी है दक्षिण एशियाई देशों में। दुनिया भर में स्वस्थ व्यापार संबंधों को आधार आपसी विश्वास में निर्भर करता है। दक्षिण एशिया आपसी संघर्ष, विशेषकर भारत पाक विवाद ने देशों के बीच विश्वास को कम किया है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में भारत का संरचनात्मक तथा भौगोलिक प्रभुत्व भारत के पड़ोसियों को उससे जुड़ने की राय में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। पर आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या हो सकते हैं। भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में एक तरफा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत पड़ोसी प्रथम की नीति का अनुसरण करते हुए तत्काल आदान प्रदान की उम्मीद किए बिना अपनी आयात को विस्तार दे सकता है। इस तरह शुरुआती कदम पड़ोसियों में विश्वास और सद्भावना पैदा कर सकते हैं। पहले भी 2012 में भारत ने दक्षिण एशिया के कम विकसित देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल के लिए अपने बाजार में एक तरफा शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की थी। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। एक बात और आप लोग देखिए, अगर आपको महाशक्ति बनना है और आपको अगर देशों का प्रतिनिधित्व करना है तो आपको अपने पड़ोसियों से का भरोसा जीतना होगा, यानी कि उनका भरोसा बनाए रखना होगा, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे। लेकिन आप अपनी देख रहे हैं स्थिति किस तरह से हमारे पड़ोसियों से, देशों से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। साप्टा के प्रावधानों में संशोधन। साप्टा के प्रभावित रहने के बीच सबसे बड़ा कारण संवेदनशील सूची है। इस संवेदनशील सूची में उत्पादों की एक लंबी सूची है जो टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम से मुक्त है, और साप्टा केवल तभी काम कर सकता है जब दक्षिण एशियाई देश संवेदनशील सूचियों को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएं। गैर टैरिफ बाधाओं को सुलझाना। कई अन्य कारक भी दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार में बाधा डालते हैं। आयात कोटा, सब्सिडी, तकनीकी बाधाएं या फिर आयात लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिए नियम, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण जैसी गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दक्षिण एशियाई देशों को व्यापारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक क्षेत्रीय संस्था की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए, जिसे व्यापारियों को उनके मुद्दों को संबोधित करने और देशों के भीतर संबंधित अधिकारियों को सीधे शिकायत करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी मिल सके। अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना चाहिए। सीमा पार कनेक्टिविटी के बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए। देश के बीच सड़कें, बंदरगाह, बिजली संचरण, हवाई यातायात उपलब्ध होने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सही मायने में लाभ पहुंचेगा। इस तरह की साझेदारी दो तरफा भरोसे का निर्माण करती है, ना कि एक तरफा निर्भरता का। हाल के चटगांव ग्राम और मोगल बंदरगाह का उपयोग करने के लिए बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के चटगांव ग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए अपना पहला परीक्षण मालवाहक जहाज को रवाना किया गया।
इसके अलावा भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए, आंध्र प्रदेश के गोंटूर जिले के रेड्डी लेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी की ढुलाई की। बांग्लादेश की तरह अन्य देशों के साथ भारत को परिवहन अवसंरचना से जोड़े जाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अनुकूल परिवेश का निर्माण हो जाए। अविश्वास को कम करना चाहिए। व्यापार को बढ़ाने और विश्वास की कमी को दूर करने के लिए भारत का नेतृत्व काफी महत्वपूर्ण है। इस अविश्वास को कम करने वाली पहल को पूरे क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और भारत और बांग्लादेश के बीच लगने वाले सीमा हाट के उदाहरण को अन्य दक्षिण एशियाई देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। भारत द्वारा पड़ोसी देशों में निवेश किया जाना चाहिए। पड़ोसी देशों में अधिक निवेश करने के लिए भारत को अपने यहाँ के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्षेत्रीय मूल श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जो क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां दक्षिण एशिया के बाजारों में अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर सकेंगी। आईटी सेवाएं, पर्यटन, मसाले, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उत्पाद, कृषि उत्पाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अत्यधिक संभावनाएं विद्यमान भी हैं। व्यापार और निवेश को सक्षम बनाने वाली भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे में निवेश को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भौतिक बुनियादी ढांचे में एकीकृत जांच चौकियां, बंदरगाह अवसंरचना, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स आदि शामिल हैं। तकनीकी बुनियादी ढांचे में डिजिटलाइजेशन, डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म, सिंगल विंडो क्लियरेंस और जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। मानकों और परीक्षण के लिए क्षमता निर्माण, यह भारतीय मानकों की पुष्टि सुनिश्चित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में मदद करने के लिए बांग्लादेश मानक और परीक्षण संस्थान को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। ऐसे कार्यक्रमों को गहन और व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था के आकार तथा भौगोलिक प्रभुत्व के कारण भारत को पड़ोसी देशों के साथ संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। भारत इस अविश्वास को दक्षिण एशिया में आयात उदारीकरण और एक सक्रिय पड़ोसी प्रथम की नीति के माध्यम से कम कर सकता है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो लंबी अवधि में भारत के रणनीतिक हितों को भी पूरा करेगा। इसके व्यापार देशों के बीच संबंधों को उत्प्रेरित करने में मदद कर सकता है। व्यापार के माध्यम से आपसी विश्वास को बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे व्यापार को और अधिक गति मिलती है। इसलिए दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने से पहले आपसी संबंधों के सुधरने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए कि आपके पड़ोसियों से जितने अच्छे संबंध होंगे उतना ही आपको फायदा होता है, और आप सोचिए कि आपके पड़ोसियों से आपका दुश्मन कोई हाथ मिला रहा हो तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। यही चाइना कर रहा है। तो ये था आपका दक्षिण एशिया में व्यापार की बात की जा रही थी, ठीक है।